पद रत्नाकर का पाठ पद संख्या 2। पद रत्नाकर का पाठ पद संख्या 2। मन मथ मन मथ मन मथत जाके सुषमित अंग मुख पंकज मकरंद नित पियत श्याम त्रिग भृंग। मन मथ मन मथत जाके सुषमित अंग मुख पंकज मकरंद नित पियत श्याम दृग भ्रंग। जाके अंग सुगंध को नित नासा ललचा तन चाहत नित परस हो जाको मधु मैं गा। जाके अंग सुगंध को तन चाहत जाको मधु मैं गा। मधुरसमयी बचनावले सुनबे को नित कान हरि के लालायित रहत तज गुरुता को धाम। मधुरसमयी हरि के लालायित रहत जाके मधुर प्रसाद को रस चाखन जाके मधुर प्रसाद को मधुरस चाखन हे तो हरि रसना अकुलात अति तज दुस्त्यज श्रुति से तू। जाके मधुर हे तू अति तजी जाकी नख दुति लखी लजत कोटि कोटि रविचन बंदों ते ही राधा चरण पंकज सुचि सुख कंद। पंकज सुचि सुख कंद राधा 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 राधा।
बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। पूज्य श्री भाई जी महाराज की जय। पूज्य श्री राधा बाबा की जय। पूज्य मैया की जय। अपने प्यारे भैया की जय। पूज्य दादा की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय। हरि बोल। बड़े सौभाग्य का क्षण है कि आज भी हमें सत्संग और कीर्तन का परम लाभ प्राप्त हो रहा है। आज पूज्य श्री सेठ जी का प्राकट्य उत्सव भी। देखिए भैया, सेठ जी तो सेठ जी हैं। जो ये सेठ नहीं होते तो गीता प्रेस नहीं होते, और गीता प्रेस नहीं होते तो ये संत नहीं होते जो कलयुग में दिखाई दे रहे हैं। जितने संत बन रहे हैं वो सब गीता प्रेस की पुस्तकों से बन रहे हैं। तो हम लोगों का बड़ा सौभाग्य है, पूज्य भक्तमाली जी महाराज ने पूज्य मलुकपीठ सरकार से कहा था कि हम बड़े अच्छे समय पर पैदा हुए हैं, हम बड़े शुभ समय पर पैदा हुए हैं, जो हमें ऐसे रसिकों की वाणियां पढ़ने को मिल रही हैं। श्री हरिदास जी महाराज का केली माल हमें पढ़ने को मिल रहा है, श्री हरिराम व्यास जी की व्यास वाणी मिल रही है, हित हरिवंश महापुरुष जी का हित 84 मिल रहा है। ये सब संतों की रसिक वाणियाँ हमें कहाँ पहले सुनने को मिलती अगर इनके पहले हमारा जन्म हो गया होता। सेठ जी, भाई जी, बाबा, ये ब्रज के जितने भक्त हैं इनकी वार्ताएं सुनने को मिलती नहीं मिलती। हम ऐसे काल में पैदा हुए हैं जहाँ पर हमें रस के समुद्र में उतारा गया है, एकदम हमें रस के समुद्र में उतारा गया है। अच्छा, दरवाजा भी इतना रस भरा मिला है हम लोगों को, हमारे पूज्य भैया ने द्वार खोला है इन रसिकों तक पहुंचने का हमारे लिए। तो ऐसी रसमयी वाणियां, और सेठ जी नहीं होते, भाई जी नहीं होते, बाबा नहीं होते तो क्या हमें इन सब बातों का पता लगता। तो भैया सेठ जी का तो हम क्या, नित्य उनकी वार्ता सुनते हैं हम लोग। मैं कोई ना कोई बात चर्चा जरूर करता हूँ सेठ जी की, प्रयास रहता है भाई जी, बाबा, सेठ जी, इनकी कोई ना कोई सत्संग की वार्ता सुनी जाए। पट खुल रहे, अच्छा। हाँ नहीं, कुछ सेठ जी की वार्ता तो करनी जरूरी है। तो सेठ जी की कुछ वार्ता सुनते हैं एक बार, फिर बाल भक्त ओम प्रकाश जी को लीला चालू रखेंगे। देखो, नाम रूप लीला और संत, बाबा ने चार बातें कही। रूप की जगह बाबा ने संत को रख दिया, क्योंकि संत साक्षात भगवान के स्वरूप ही होते हैं भैया। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक, तो ये चारों एक ही हैं। तो रूप में भगवान के रूप की जगह बाबा ने संत को रख दिया, क्योंकि संत और भगवान में कोई अंतर है नहीं। अच्छा, तो सेठ जी की कुछ बात पढ़ते हैं। सेठ जी कहते हैं, पुस्तक का नाम है, बड़ी सुंदर पुस्तक है, विशेष महत्व की बातें हैं। सेठ जी कहते हैं भगवान बड़े दयालु है, वरदान मां वे अपने भक्तों में दोष पैदा होने ही नहीं देते, कहीं हो जाता है तो भगवान देखते हैं यह उपाधि हो गई, इसे हटाओ। राय बहादुर सर, यह भी उपाधि है और उपाधि व्याधि हो रही है, उपाधि व्याधि का रूप ले रही है, नई व्याधि लगानी ही नहीं है अपने को, कोई उपाधि लेनी ही नहीं है। साधक ने प्रश्न किया, सेठ जी कुछ ऐसा उपाय बताओ जिससे भगवान जल्दी मिले, सबको यही प्रश्न है, सबका यही प्रश्न है, भगवान जल्दी कैसे मिले। पर जल्दी कोई करना नहीं चाहता, उपाय तो जानना चाहते हैं पर उस उपाय को करना नहीं चाहता कोई जल्दी। अब ऐसे ऐसे उपाय हैं, 24 घंटे में भगवान की प्राप्ति, राम नाम का अनुष्ठान करो, हमारे नारद जी ने किया, रघुनाथ जी ने किया, तो कुछ हद तक सफलता मिली।
कई उन्हें और आगे बढ़ कर के उन्हें और अच्छी सफलता मिली, जिसने पूरा कर लिया उसे पूरी सफलता भी मिली, ऐसे भी हैं। तो भैया उपाय सब जानना चाहते हैं जल्दी भगवत प्राप्ति का, पर कोई जल्दी करना नहीं चाहता। तो प्रश्न पूछा सेठ जी, ऐसा उपाय बताइए जिससे भगवान शीघ्र मिले। सेठ जी कहते हैं, यदि है शौक मिलने का, हरि का भजन कर प्यारे। हमारे गिरधर कहना चाहते हैं, अगर है शौक मिलने का तो कर खिदमत फकीरों की। तो यदि है शौक मिलने का, हरि का भजन करो प्यारे। सेठ जी कहते हैं, भजन किए जाओ, आनंद मानो। यदि शीघ्र मिलने की इच्छा है तो जल्दी जल्दी भगवान का भजन करो, जल्दी जल्दी भगवान का भजन करो। विलंब से मिलना है तो धीरे धीरे करो। भाई तुम्हें कोई देर नहीं हो रही तो भगवान को भी देर नहीं हो रही, वो अपने शेष सैया पर कंफर्टेबल लेटे हुए हैं, उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। लक्ष्मी जी चरण दबा रही हैं, हम भी यहाँ चरण दबा रहे हैं। जय सिया राम। फिर साधक ने पूछा, मिलना जल्दी है सेठ जी, किंतु हम चलते नहीं, हमें तो हवाई जहाज चाहिए। तो सेठ जी ने कहा, भाई देख, हवाई जहाज चाहिए तो हवाई जहाज वाला दाम भी लगाना पड़ता है। भाई हवाई जहाज में जाना है गुजरात, तो हवाई जहाज वाला किराया भी तो देना पड़ेगा। अब चाहिए तो हवाई जहाज, पैसे साइकिल के भी नहीं है तुम पे, दाम साइकिल का भी नहीं है। तो सेठ जी कहते हैं, भाई विमान तो तैयार है जो क्षण में पहुंचाता है, ऐसा विमान तैयार है जो क्षण में पहुंचाता है भगवान तक। श्रद्धा भक्ति ही उसका मूल्य है, वही धन है। धन नहीं है तो भैया फिर पैदल चलो चुपचाप, धन नहीं है तो पैदल चलो चुपचाप। शीघ्रता आवश्यकता हो भई, अगर जिसको जल्दी भगवान से मिलना है तो जल्दी चलो। रास्ता तो काटना होगा, चाहे सवारी से चाहे पैदल। पैसा हो तो सवारी पर चलो, श्रद्धा प्रेम ही सवारी है। जितनी अधिक श्रद्धा प्रेम है उतनी ही अधिक तेज सवारी मिलेगी। श्रद्धा प्रेम हो तो बेड़ा पार है, फिर भगवान के मिलने में कोई देर नहीं होती साधक को, एक क्षण में मिलते हैं भगवान। सेठ जी कह रहे हैं, श्रद्धा प्रेम नहीं है थोड़ा है तो थोड़े मूल्य की सवारी करनी पड़ेगी भैया। श्रद्धा प्रेम का स्वरूप यह है कि कुआं तेरी माँ मरी तो कुएं से प्रतिध्वनि आती है, कुआं तेरी माँ मरी, यही श्रद्धा का स्वरूप है। जैसी कठपुतली सूत्रधार के शरण होती है, इसी प्रकार भगवान की हमें शरण होना है। जैसे कठपुतली नाचती है ना धागे पे लटक के, वो हाथ यूं हिलाता रहता है ऐसे, है तुम हो यंत्री मैं यंत्र काठ की पुतली, मैं तुम सूत्रधार, तुम हो यंत्री मैं यंत्र काठ की, तुम करवाओ कहलाओ मुझे, बचाओ निज इच्छानुसार। इतना मैं जो यह बोल गई, तुम जान रहे हैं कहाँ कौन। यह बोल गई, तुम जान रहे से, मैं तो शून्य मौन, तुम हो यंत्री मैं यंत्र काठ की। तो यंत्र बनना पड़ता है। मैं उस दिन कह रहा था, अपमान सहना आसान है, अपमान को पचाना महादेवा बड़ा आसान बात है। क्यों? मान लो आपसे कोई ताकतवर है, मान लो रज्जी भैया पिस्टल रख दें आपके माथे पे, तो आप कुछ नहीं करोगे, अपमान आराम से सहोगे। तो भैया मारेंगे, थप्पड़ भी मार देंगे, कोई बात नहीं भैया, बड़े हो ना आप, मार ले कोई बात है ना। तो अपमान पचाना आसान है, लेकिन सम्मान पचाना बहुत मुश्किल बात है। सम्मान नहीं पचता। अब चार आदमी गुरुजी कह दें, सत्संग सम्राट कह दें, तो फूल जाए आदमी, और वही आदमी फिर यूँ कह देना, वह सत्संग सम्राट होगा, सारी हवा फुस, पचेगा नहीं,
वो बुरा लगेगा, क्योंकि कई दिनों से सत्संग सम्राट सुना जा रहा था ना, जिस दिन खाट उठा ली सम्राट की उस दिन बुरा लग गया। तो सम्मान पचाना बड़ा कठिन होता है, और जो सम्मान को पचा जाता है, महाराज जी कह रहे थे बड़ी अच्छी बात, जो पचा जाता है अपमान को वो पा लेता है भगवान को। जो थोड़ा सा सहन कर जाता है ना अपमान को, किसी के दो जली कुटी बातें सहन कर ली, वो भगवान को पा जाता है। जिसको सुनना नहीं आता ना वो नहीं पा पाता है, हमें ऐसे कैसे बोल दिया, क्या हो तुम, हो क्या तुम, लाश का ढेर, साधु ये मुर्दों का गांव, सब मुर्दे हैं, आज नहीं तो कल सबको ही मुर्दा होना, इंडन इंतजार कर रहा है भाई, सबका इंतजार है। लकड़ियां वो पेड़ लग चुके हैं जिन लकड़ियों में हमें जलना है, फिर घमंड किस बात का है। ऐसा संत कहते हैं कि भैया वो लकड़ियां जन्म चुकी हैं और वो आदमी भी जन्म ले चुके हैं जो तुम्हें कंधों पर उठाकर ले जाएंगे, और वो दिन भी तय हो चुका है जिस दिन आप जाएंगे, वो दिन भी तय हो चुका है। पर जब कोई मर जाता था, अरे यही तो मरा है, हम तो अभी जिंदा रहेंगे, हैं ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुखराशी, राम मरे तो मैं मरूं नहीं तो मरे भलाए, अविनाशी का बाल का किस विधि मारा जाए। अरे भाई ये आत्मा की बात चल रही थी, शरीर तो मरेगा, यहाँ किसी का शरीर नहीं बचा। तो सेठ जी कहते हैं भाई देखो दाम जो है ना वो श्रद्धा है, जिसे जितनी जल्दी पहुंचना उतनी जल्दी भजन करना पड़ेगा, फ्री का माल नहीं है यहाँ, नो फ्री लंच इन दिस वर्ल्ड, यहाँ पर कुछ भी फ्री नहीं मिलता, माल चाहिए तब कुछ मिलेगा यहाँ पर। एक क्षण भी भगवान का जो वियोग नहीं सह सके, यह प्रेम का नमूना है, जो भगवान का वियोग न सह सके इसे प्रेम कहते हैं। भगवत वियोग से परम व्याकुलता होती है, जब भगवान का याद आती है ना, आज मल्लुकपीर सरकार कह रहे थे कि भैया जिसमें सहज आसक्ति होती है ना उसका नाम भी रटना नहीं पड़ता, माँ की पुत्र में सहज आसक्ति है, कभी देखा है माँ को बेटा 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 की माला करते हुए, देखा किसी माँ को बेटा 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 108 बार जप रही है या 1 करोड़ बार बेटा 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 बोल रही है, नहीं, सहज प्रेम है, उसे रटना नहीं पड़ा, उसके रोम रोम में बेटा समाया हुआ है, उसके रोम रोम से वो ध्वनि निकलती रहती है, मेरा पुत्र है पुत्र है पुत्र है पुत्र है, ऐसे हमेशा भाव रहता है हमेशा। हमारे दादू दयाल जी जब बचपन में, दादू दयाल जी किसी माँ की कोख से जन्म नहीं लिया था, उन्होंने कमल के पत्र पर प्रकटे थे दादू दयाल जी, कितना नाम जपा उन्होंने, 1 खरब। 1 खरब कितना है? 100 करोड़ का 1 अरब और 100 अरब का 1 खरब, 100 अरब का 1 खरब। अब कोई कहेगा मल्लुकपीर सरकार कह रहे थे, अब कहेंगे सब सोच रहे होंगे यार ये संत भी लंबे लंबे फेंकते हैं, इतना नाम जब कौन कर सकता है, इतना जीवन ही नहीं है किसी का, कौन कर सकता है इतना नाम जब। तो महाराज जी ने एग्जांपल दिया, कह रहे मेरे पास एक ऐसा व्यक्ति है जो अभी तक 70 करोड़ जप चुका है, 2001 से चालू किया था, मैं एक ऐसे संत को जानता हूँ जिन्होंने 70 करोड़ अभी 2001 से और अभी 2024 तक 24 साल में 70 करोड़ जप लिया है, ऐसे संत अभी जीवित हैं 70 करोड़। कह रहे तो ऐसा है नहीं कि कोई जप नहीं सकता, जप सकते हैं, पहले जिभ्या से जपा जाता है, फिर भीतर चालू होता है, और फिर परावाणी जब खुल जाती है ना, परावाणी भीतर की वाणी, फिर तो रोम रोम से, हड्डी हड्डी से नाम निकलता है, रोम रोम से नाम निकलता, फिर तो काउंटिंग पता नहीं कितनी जाती है, रोम रोम से लाखों बार करोड़ों बार नाम उच्चारण होता है। तो ऐसे दादू दयाल जी जब मरने लगे तो उनके शिष्यों ने पूछा महादेवा कि गुरुदेव आप रो क्यों रहे हो, तो दादू दयाल जी ने कहा, क्या कहा था, देह हवाले हो चली है, होश रही मन माए, दादू जैसा नाम था तैसा लीना नाए। भैया 22 घंटे भजन करने वाले संत
जो बचपन में 5 साल की उम्र से यही कर रहे थे और कुछ करा ही नहीं उन्होंने, नाम ही जपा, 22 घंटे नाम जप करते थे। वो ये कह रहे हैं कि दादू जैसा नाम था तैसा लीना ना है, तैसा लीना ना है। और हम 16 माला में आंख ऊपर चढ़ाकर घूमते हैं। अब आपको नहीं कह रहा हूं मैं, आप डिमोटिवेट मत होइएगा, आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूं मैं, आपको मोटिवेट करने का प्रयास कर रहा हूं कि हम और नाम जपें, और नाम जपें। इसे मैं, इसे आपके ऊपर ताल्लुक नहीं है कि आप नहीं कर रहे, आप बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन जिन संतों ने किया उनके मन में ये हवस रह गई, ये चाह रह गई कि और नाम जपना चाहिए था, और अच्छे से नाम जपते, कुछ और मिलना चाहिए था। तो महाराज जी ने एग्जाम्पल दिया, अभी भी एक साधक हैं जो 70 करोड़ जप चुके हैं और अभी कंटिन्यूटी में जप रहे हैं। महाराज जी कह रहे हैं हमारे पास ऐसे ऐसे साधु भी हैं, एक तो 70 करोड़ जप रहे हैं, एक ऐसे हैं जिनसे कह दिया जाए 6000 श्री राम जय राम जय जय राम करना, तो कहते हैं हमारे पास समय नहीं है महाराज जी, 6000 कह रहे, ऐसे भी हैं, तो उनका क्या कर लिया जाए, सब वैरायटी है। कुछ तो ऐसा ही कहते हैं भैया एक माला में हमारी समाधि लग जाती, एक माला ही पूरी नहीं होती। लेकिन वाकई में ऐसे भी होते हैं। एक साधक को, एक बालक को महाराज जी के पास आया था, उन्होंने महाराज जी से कहा कि महाराज जी मैं भगवान की प्राप्ति जल्दी से जल्दी करना चाहता हूँ। तो महाराज जी ने कहा 6 करोड़ श्री राम जय राम जय जय राम जपो, 6 करोड़ श्री राम जय राम जय जय राम। तो महाराज जी ने दिया, तो उन्होंने जपना शुरू किया। एक साल में उन्होंने जैसे ही कुछ संख्या पूरी करी, उसके बाद उन्होंने कहा महाराज जी 1 करोड़ तक तो सही चला, 1 करोड़ तक तो सही चला, लेकिन उसके बाद से नाम जप हो ही नहीं रहा है, 1 करोड़ के बाद से नाम जप हो ही नहीं रहा है। तो मलुकपीठ सरकार ने कहा क्या बात होगी बच्चा, तो उन्होंने कहा महाराज जी 1 करोड़ के बाद से ऐसी स्थिति हो गई है कि जैसे ही हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, ऐसे बोलता हूँ तो एक मन के पे अटका रह जाता हूँ, झरझर आंसू बहते हैं। तब महाराज जी ने कहा तुझे और जपने की आवश्यकता भी नहीं है ज़्यादा, तेरे लिए संख्या खत्म है, राम राम रघुपति जपत श्रवण नयन जल जात, आंसू निकलने शुरू हो जाते हैं एक मन के पर, फिर वो एक मन का भी कई मनकों का काम करता है। तो भैया ऐसे आंसू की धार बहने लगती है, ऐसी नाम में आसक्ति हो जाती है। तो सेठ जी कहते हैं तद विस्मरण परम व्याकुलते थी, ऐसी व्याकुलता जागृत होती कि भगवान को भूला नहीं जाता, हमेशा याद रहते हैं। जो प्रेमी होता है ना, प्रेमी साधक, वो प्रेम के हट से पीछे नहीं हटता है, ऐसा सेठ जी कहते हैं। मछली जल के वियोग से जी नहीं सकती, मछली 2-4 क्षण भी जी सकती है, पर प्रेमी भगवान से प्रेम को नहीं छोड़ सकता। भगवान के लिए मछली की तरह तड़पने लग जाए, जल तो जड़ है, वह स्वयं मछली पर उछलकर गिर नहीं सकता, परंतु भगवान तो उछलकर आ पड़ेंगे आप पर, भगवान तो उछलकर आप पर आ पड़ेंगे। जब भगवान के नाम रूप का विरह नहीं सह सकेगा, उस समय भगवान बिना बुलाए आ जाएंगे। इसी तरह श्रद्धा की बात है, द्रोणाचार्य में भील एकलव्य की श्रद्धा थी, आरुणी की अपने गुरु में श्रद्धा थी, जाबाला के पुत्र सत्यकाम की अपने गुरु में श्रद्धा थी। श्रद्धा ऐसी होनी चाहिए कि श्रद्धे के संकेत के अनुसार नाचे, कठपुतली तो नचाने से नाचती है, वह संकेत मात्र से नाचे, प्रसन्न हो, मस्ती से आज्ञा पालन करें। यदि भगवान की आज्ञा पालन का मौका मिल गया तो कृत कृत्य हो गया, छोटी से छोटी आज्ञा हो। आज्ञा पालन की तत्परता श्रद्धा की पराकाष्ठा है, ऐसा सेठ जी कहते हैं। पट खोलेंगे महाराज, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम
श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम बोले राधा माधव सरकार की जय। सेठ जी की आखिरी लाइन पढ़ के फिर ओम जी का चरित्र सुनते हैं। सेठ जी कहते हैं आज सेठ जी का प्राकट्य उत्सव है तो इसलिए सेठ जी की ये बात सुनकर के सेठ जी कहते हैं हम लोगों को यह विचार करना चाहिए कि मनुष्य जीवन का समय अमूल्य है। खाना पहनना भोग आलस्य प्रमाद शरीर के पालन पोषण में समय बिताना गले में छुरी मारना है। तुलसीदास जी ने कहा है नर तन पाई विषय मन देही पलटी सुधाते सठ विष ले ही। आप अपने समय को शरीर के लिए बिता रहे हैं यह शरीर आपके क्या काम आएगा। 10 सेर मांस बढ़ा लोगे तो क्या होगा लोथड़ा ही होगा शरीर पर। कम होगा तो क्या होगा शरीर से तुम्हारा वियोग होगा ही। मनुष्य धर्म का पालन नहीं करे तो भैया पशु के समान ही अपने आप को समझ लेना। ये तो हुई सेठ जी की बातें। अब आते हैं बाल भक्त ओम प्रकाश जी के चरित्र पर। कल हमने सुना था कि कैसे श्री कृष्ण के पीछे पड़ जाते हैं बाल भक्त ओम प्रकाश जी और श्री कृष्ण आगे आगे और मनुआ पीछे पीछे और पीछे से जाकर मनुआ पीताम्बर पकड़ लेता है श्री कृष्ण का। और जब पीताम्बर पकड़ लेता है तो श्री कृष्ण रुक जाते हैं। सभी सखा भी दौड़ दौड़ कर श्री कृष्ण के पास आ गए। सब सखा मिलकर श्री कृष्ण को घेरने लगे और परेशान करने लगे। दाऊ जी अपने भैया पर विपत्ति न सह सके बोले बस रहने दो तुम सबके सब अकेले कृष्ण के पीछे पड़ गए। अच्छा बड़ा विचित्र बात है बाल भक्त ओम प्रकाश जी के चरित्र में। दाऊ जी तो पक्ष लेते हैं श्री कृष्ण का और श्री कृष्ण अपने सखाओं के साथ मिलकर दाऊ जी का मजाक उड़वा देते हैं। हर बार यही हो रहा दादा सारी लीलाओं में। इतने में मनसुखा बोल उठा ले डालो बीच में बोलने वाले दाऊ को भी। सखाओं ने बोला मनसुखा ने कहा दाऊ जी को भी बीच में ले डालो इसे भी पकड़ लो। बस फिर क्या था सबने श्री कृष्ण को छोड़कर दाऊ जी को घेर लिया लगे परेशान करने। अब श्री कृष्ण भी चोर से साहूकार बन गए। अपनी साहूकारी जताते हुए भैया का एहसान चुकाते हुए बोले अरे सखाओं मेरे दाऊ भैया से मत उलझो इस ओम को ही पकड़ो तुम बस जिसने मुझे पकड़ा है। अपने प्राण प्रिय श्री कृष्ण के मुख से अपना नाम सुनकर ओम का हृदय आनंद से और आश्चर्य से चौंक पड़ा। ओह नाम कैसे मालूम हो गया श्री कृष्ण को मेरा। इस खुशी के मारे उसका हार्ट फेल होने को हो गया ओम का। उसने समझ लिया कि अब मैं श्री कृष्ण की सखा मंडली में शामिल हो ही गया क्योंकि श्री कृष्ण को मेरा नाम पता चल गया। उसकी जन्म जन्मांतर की मुराद आज पूरी हुई। सखाओं को अपनी ओर आते देख ओम भागा। श्री कृष्ण ओम को पकड़ने के लिए उसके पीछे दौड़े। श्री कृष्ण को दौड़ते देखकर सब सखा भी पीछे पीछे दौड़े और सब सखा थोड़ी देर दौड़कर लौट आए पर ओम और श्री कृष्ण भागते भागते आगे सघन वन में पहुंच गए। दौड़ते दौड़ते सहसा ओम खड़ा हो गया और श्री कृष्ण की ओर मुख करके दोनों हाथ उठाकर ऐसे खड़ा हो गया मानो एक मूर्ति खड़ी हो। देखो ये विचित्र बात ओम जी ने कही। ओम जी ने कहा श्री कृष्ण मेरे नाम को जानते हैं इसका मतलब मैं श्री कृष्ण की सखा मंडली में शामिल हो गया। इससे मुझे बहुत विचित्र बात याद आई। प्राची दीदी ने बताया था कि हम सब लोगों का नाम भगवान पर्सनली जानते हैं। पूज्य भैया से कहा ना पूज्य भैया को हर भाषा साधक की कुछ ना कुछ बात बताई। इसका मतलब श्री कृष्ण हमें पर्सनली जानते हैं। इस ब्रह्मांड में अनेकों ब्रह्मांडों के स्वामी इस पृथ्वी के धरातल पर आकर के भारतवर्ष में गाजियाबाद में नारदीय निकुंज में हर एक साधक को पर्सनली जानते हैं भगवान और नाम से जानते हैं तो इसका मतलब हम उनकी मंडली में शामिल हैं हम उनकी नज़र में हैं। ये क्या कम असर है भक्ति का।
हम उनकी नज़र में हैं, बस यही असर काफ़ी है भैया। भगवान हमें जानते हैं, और इसका जानते तो सबको हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, सबको जानते हैं, पर इस बात का पता लग जाना कि हमें निज रूप से फिर भी जानते हैं, ये हमारे संतों की कृपा है, ये हमारे पूज्य भैया की कृपा है कि हमें ये बात का पता चल गया कि भगवान हमें जानते हैं पर्सनली। तो ओम एकदम खड़ा हो गया सहसा, मानो एक मूर्ति खड़ी हो। उसे हाथ उठाकर खड़े देख श्री कृष्ण भी दोनों हाथ उठाकर ऐसे दौड़े जैसे कोई बच्चा माँ से चीज लेने को दौड़ता है। उस समय का दृश्य देखने ही योग्य था। वाणी दोनों के भावों का वर्णन कर नहीं सकती। उस समय ओम की क्या दशा थी, सांस रुक चुकी थी, हृदय ने काम करना बंद कर दिया था, मस्तिष्क सदा के लिए सो चुका था, फिर भी वह जीवित था, जीवित था केवल एक श्री कृष्ण से आलिंगन के लिए। समय की निरंतर चलने वाली हृदय की घड़ी ने टिक टिक की, श्री कृष्ण सखा से आ मिले। दोनों आलिंगन किए हुए थे, प्रेम और परमेश्वर का अद्भुत मिलन था ये, प्रेम और परमेश्वर का अद्भुत मिलन था। उधर सहसा सखाओं ने सुना कि बड़ा जोर का एक शब्द हुआ फट, बड़ा जोर का एक शब्द हुआ, उसके अंदर के प्रकाश के साथ कुछ धुआं सा आकाश में उठता हुआ दिखाई दिया। अनिष्ट की आशंका से वे लोग चिल्लाकर तेजी से दौड़े। वहां पहुंचकर श्री कृष्ण को अकेले खड़े हुए और हा ओम कहते हुए श्री कृष्ण को रोते हुए पाया। तभी तो आज तक वृंदावन में लोग प्रेम से गाया करते हैं, कहे को कि राक्षस के भैसों गो ग्वाल भजे वृंदावन का, कहे को बचावन को सुत को तजी नंद के दीनों महावन का, कहे को गोकुल सूख चलो हरि घास खवावन गोवन को, सच पूछो तो बात ना और कछु लायो प्रेम मिलावन दोवन को। ये मिलन था, यहाँ से ओम जी का जाना हुआ था, जहाँ मिलन हुआ वहाँ से ओम जी चले गए हमेशा के लिए इस धरती से, भगवत धाम से। ये फट गया था, फट की आवाज आई थी। आगे कहते हैं, भक्त की सबसे बड़ी शान तो यह है कि वह काम क्रोध के दरवाजे पर ताला लगा देता है। ओम जी कहते हैं, ये उपदेश है ओम जी के आगे, अब मिलन हो चुका भगवान से। ओम जी कहते हैं, भक्त की सबसे बड़ी शान तो यह है कि वह काम क्रोध के दरवाजे पर ताला लगा देता है। तभी तो बड़े से बड़े लोभ के सामान उपस्थित होने पर भी वह उनका तिरस्कार करके केवल अटल भक्ति की ही याचना करता रहता है। भगवान श्री कृष्ण बड़े गंभीर हैं, वह भगवान शंकर जी की तरह भक्तों के कहने में शीघ्रता से नहीं आते हैं। यों तो भगवान भक्त के बस में हैं, यह कहावत गलत नहीं है, पर श्री कृष्ण भक्त के हित की बात विचार कर वरदान देते हैं, इतने भोले नहीं हैं, जरा टेढ़े हैं, इसलिए बिना कसौटी पर कसे अपने भक्तों पर पूर्ण कृपा ही नहीं करते। जब वे खूब परीक्षा लेकर भली भांति समझ लेते हैं कि यह सोना खरा है, तब भक्त को वरदान देना क्या, भक्त की स्वयं ही चाकरी करने लगते हैं श्री कृष्ण, फिर स्वयं चाकरी करने लगते हैं। गोपियों के आगे छछिया भर छाछ पे नाच नचावे, ऐसी स्थिति हो जाती है। सुदामा के मुट्ठी भर चावलों पर हाथ फैला दिया, अर्जुन के रथ के घोड़े हाँके, विदुर के घर साग पा लिया, रुक्मणी के लिए शिशुपाल की गालियां सहली और कुबड़ी के लिए बदनामी सही, शबरी के झूठे बेर खा लिए, और कहाँ तक कहें, गरज की उन्होंने भक्तों के लिए क्या न किया। भगवान कहते हैं, हे शरणागत, यदि तुम संसार के तापों से व्याकुल होकर मेरी शरण में आए हो तो मुझ में मन लगाओ, मेरे सच्चे भक्त बनो, मेरी पूजा करो, मैं शपथ करके कहता हूँ मैं अवश्य तुम्हें भव सागर से पार कर दूंगा। ये भगवान कह रहे हैं, मेरी शरण में आने पर मैं जैसा बताऊँ वैसा करो, तुम्हारे मार्ग प्रदर्शन के लिए ही मैंने एक कानूनी किताब बना दी है, वह किताब मेरा ही रूप है, जो उत्तर तुम्हें उसमें मिले उसे मेरा ही उत्तर समझो। जब तक मैं तुम्हारे सामने साक्षात प्रकट नहीं होता तब तक
मेरी बातचीत गीता के द्वारा ही होती रहेगी तुम्हारे साथ। गीता जी साक्षात भगवान है। बहुत ज़रूरी बातें मैं ध्यान में प्रकट होकर तुम्हारे हृदय में ही बतला दिया करूँगा। गीता तुम्हें बहुत सहायता करेगी। जब विशेष आवश्यकता पड़े देख लिया करना। और साधारण बातें तो मैं संक्षेप में अभी बतलाए देता हूँ। सीधी सी बात है, भगवान कहते हैं छल छिद्र की, दंभ दर्प की, राग द्वेष की, ऐसे ही संपूर्ण पाप पूर्ण दोषों वाली भावनाओं को मन से हटाकर बुद्धि को परम शुद्ध करो। अपनी बुद्धि को परम शुद्ध करो। एक दिन मैंने भैया से कहा, भैया मेरा ये मन से खटपट मिटा दो। भैया ने कहा मुझसे कहा, पर महादेव जी सामने थे, मैं कहने भैया ये कहते मुझे भवसागर से पार लगा दो तो मैं कुछ कहता भी। अब ये खटपट तो खुद ही मिटा लो। भजन सत्संग साधन भजन कुछ तो ये खटपट तो खुद ही मिटा लो, बाकी भवसागर मैं देख लूँगा। बात भी सही है भाई। अब इतना परिश्रम तो गए, रामेश्वर बाबू जी के पास गया, सेठ जी के कमरे में रामकिशोर बैठा था सुबह सुबह, वही सोता था। वो सुबह 4 बजे पानी डाल देते थे रामेश्वर बाबू जी। उठ बे नाम जप कर, उठ बे नाम जप कर, पानी डाल देते थे सर्दी में। तो रामेश्वर बाबू जी से मैंने कहा, वही भिखारियों वाली आदत अपनी, तो बाबू जी कुछ कृपा कर दो। कह रहे भिखारियों का काम नहीं है सेठ जी के यहाँ, कमा के खा लो कुछ। मैं तो डर गया, सच बता रहा हूँ। मैंने कहा मैंने ये क्या बोल दिया मैंने। कह रहे अपने सेठ जी के यहाँ पे ये सब नहीं चलता कि ये कर दो और वो कर दो, यहाँ कमा के खाओ नाम जप करो। मैं कर रहा हूँ तुम भी करो। कहते थे सेठ जी हर इतवार को सुबह बोरिया बिस्तरा पैक करवा देते थे, बाकी दिन तो काम चलता था गीता प्रेस का। जिस दिन छुट्टी होती थी उस दिन 10 बजे कह देते थे जाओ 7 नंबर पे अपना रोटी सब्जी शाम तक की ले जाओ, अपना खाओ और वहाँ पर ध्यान करो नाम जप करो, ध्यान करो नाम जप से मन हट जाए, ध्यान करो ध्यान से मन हट जाए नाम जप करो, यही काम। और शाम को उल्टे आओगे, उससे पहले उल्टे आ गए तो बता दे रहा मैं तुम्हें। ये सेठ जी का नियम था खास। कहते 7 नंबर भेज देते थे, कह रहे फिर वापस नहीं आ सकते थे, वहीं रहना है बोरिया बिस्तरा लेके जाओ। दादा कुछ कह रहे हैं हमारे बच्चे तो मछली बन जाते हैं गंगा जी में तो भैया ऐसे सेठ जी कहते कमा के खाओ। और ये कमा के खाना भाई जी के उसमें भी है। भाई जी ने भी कहा कि भैया नाम जप मत छोड़ना। बाबा ने तो आस्तिकता की आधारशिला पुस्तक ही लिख दी, उसमें कोई चैप्टर खोल लो उस सत्संग का आखिरी निष्कर्ष निकलेगा नाम जप करो। कोई सा भी टॉपिक खोल लो घुमा फिरा के नाम जप पे ले आएंगे बाबा कि नाम जप करो। अच्छा यही खास बात है, मन सब चीज़ों की सलाह देता है, यहाँ चला जाओ वहाँ चला जाओ ये कर ले वो कर ले। दादा भी मेरे से कई बार कहते क्या करोगे जाके, करना भजन नहीं है, करना भजन नहीं है, अंत में घूम फिर के भजन नहीं करना है। तो भगवान कहते हैं भैया एकांत में रहकर सारी वृत्तियों को समेट लो, परिमित आहार करके शरीर का शोधन करो, मन वाणी और शरीर पर अपना अधिकार स्थापन करो, दृढ़ वैराग्य धारण करके नित्य मेरा ध्यान करो। भगवान कह रहे हैं विशुद्ध धारणा से अंतःकरण शांत करके स्वच्छ करो, शब्द आदि सब विषयों को त्याग कर विकारों की जड़ को काट दो। भगवान कह रहे हैं सब ओर से ममता हटाओ, चित्त को सर्वतः शांत करो, तब ममता मेरी ओर आएगी। प्रगाढ़ ममता का ही नाम, इस बार भैया ने भी सत्संग में यही टॉपिक लिया था वहाँ पर कि आसक्ति को भगवान में लगाना है, जो आसक्ति संसार में वो भगवान की तरफ मोड़नी है। चित्त को सर्वथा शांत करो, तब ममता मेरी ओर आएगी, और प्रगाढ़ ममता का ही नाम भगवत प्रेम है। स्वच्छ शांत हृदय में ही मेरा प्रेम प्रकट होता है प्यारे। श्री कृष्ण भगवान की प्रेरणा से यह लेख मैंने लिखा, बाल भक्त ओम प्रकाश जी ने कहा। मेरी इच्छा, ये लेख है, मुझे किसी चीज की इच्छा तो रहती ही नहीं,
हाँ, अपने प्रियवर श्याम सुंदर का काम करने में मुझे बड़ा आनंद प्राप्त होता है, बाल भक्त ओम प्रकाश जी कहते हैं। फिर जो कार्य स्वयं वे बता देते हैं उसको पूरा करके तो मैं बहुत खुश होता हूँ। जब मुझसे पूछा जाता है तू ऐसा काम क्यों कर रहा है, तब कह देता हूँ अपने प्यारे कृष्ण का काम कर रहा हूँ। लोग पूछते हैं किस लिए, तो कह देता हूँ उन्हीं के लिए। लोग कहते हैं किस लिए काम कर रहे हो श्री कृष्ण का, तो कह देता हूँ श्री कृष्ण के लिए ही कर रहा हूँ, उनकी इच्छा है। लोग कहते हैं तभी तो कष्ट पा रहे हो, मैं कह देता हूँ तुम क्या जानो मेरे कार्य के कारण, मेरे कार्य के कण का आनंद संसार के सुखों से करोड़ों गुना आनंद क्षण क्षण में मिलता है मुझे, क्षण क्षण में मिलता है मुझे। आगे कहते हैं बाल भक्त ओम प्रकाश जी कि खिला हुआ फूल केवल अपने को नहीं प्रफुल्लित करता किंतु दूसरों को अच्छा लगता है और प्रसन्न कर देता है। ऐसे ही मनुष्य को प्रफुल्लित रहना चाहिए, परंतु बनावटी प्रसन्नता ठीक नहीं है। सच्ची प्रसन्नता सदाचार से होती है। स्वच्छ जल स्वयं निर्मल होता है और दूसरों के मन को भी शांति देता है। तपस्वी महात्मा स्वयं ज्ञान वैराग्य और तेज का भंडार तो होता ही है, वह दूसरों को भी ज्ञान वैराग्य और प्रकाश प्रदान करता है। ऐसे ही सबको शीलवान, शांतवान और परोपकारी तपस्वी बनना चाहिए, ऐसा बाल भक्त ओम प्रकाश जी कहते हैं। और भी बड़े सुंदर सुंदर लेख हैं उनके, बाकी हम कल सुनेंगे। समय हो गया, दादा भैया नहीं आए। ठीक, एक भाई जी का आज बड़ा सुंदर मैंने संस्मरण पढ़ा था, वो बता देता हूँ। एक बार भाई जी के धर्म पत्नी, भाई जी को भगवान विष्णु के दर्शन हुए जब JCD में हुए थे ना, तो ये बात फैल गई चारों ओर। तो जब बात फैली तो सबको पता लगी, तो भाई जी की धर्म पत्नी को भी पता लगी और माता रामदेवी जी को जब पता लगी तो उन्होंने सोचा कि भाई जिसको भगवान की प्राप्ति हो जाती है फिर उसका संसार में मोह नहीं रहता, तो बड़ी उदास रहने लगी, चुपचाप रहती। तो भाई जी ने पूछा क्या बात हो गई, तो कहने लगी आपको तो भगवान विष्णु के दर्शन हो गए, अब आपका मुझसे कोई संबंध नहीं रहा, संसारी फिर संबंध खत्म हो जाते हैं ना भगवान मिलने के बाद। तो भाई जी ने कहा मैं भगवान मिलने से पहले भी तुम्हारे साथ था, अब भी तुम्हारे साथ ही हूँ, तुम चिंता क्यों करती हो। तो भाई, तो उन्होंने कहा कि नहीं आपको तो भगवान विष्णु के दर्शन हो गए ना। भाई जी ने कहा इधर आओ, अपनी धर्म पत्नी के माथे पर हाथ रखा और जैसे ही हाथ रखा महाराज, नेत्रों के सामने चतुर्भुज भगवान विष्णु साक्षात प्रकट हो गए और 4 महीने तक उनके नेत्रों के सामने प्रकट रहे, 4 महीने तक। चलते फिरते माता जी काम करती थी ना घर पे, उनके नेत्रों के सामने विष्णु भगवान रहते थे। अब क्या हुआ, एक दिन माँ आई अपने बनारस जहाँ पे काशी विश्वनाथ है भगवान, तो वहाँ आई हुई थी। तो माँ ने बोला कि चलो हम दर्शन करके आएंगे, जैसे वृंदावन में सबको दर्शन करने की रहती, तो माँ ने कहा कि चलो दर्शन करने चलते हैं। तो भाई जी ने कहा कि मेरे को प्रूफ रीडिंग करनी है, बहुत ज़्यादा काम है मेरे पास, तो मैं तो जा नहीं पाऊँगा। तो माँ ने कहा कि क्या फ़ायदा यहाँ के दर्शन नहीं हुए, तो उन्होंने कहा दर्शन ही तो करने हैं तुम्हें भगवान शंकर और माँ पार्वती के, कहने लगी हाँ। तो कहा कि ठीक है थोड़ी देर रुको, थोड़ी देर में उसी कक्ष में भगवान शंकर माता पार्वती के साथ प्रकट हो गए, वहीं सामने के सामने भाई जी ने वहीं प्रकट कर दी। तो मैंने ये बात क्यों बताई, मैं सोच रहा था कि मैं ऐसे समर्थ महापुरुष के होते हुए हम लोग चिंतित रहते हैं बार बार मन में, पता क्या होता है संसार जब हावी होता है तो मन ढिलाई दे देता है भजन में, और जैसे ही मन ढिलाई होती है ना भजन में वैसे ही संसार हावी हो जाता है मन में, फिर खिन्नता आती है यार भजन नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, उन्हें जैसे ही भजन बढ़ता है हाँ प्रहलाद भगवान के दर्शन कराऊँ क्या ये देख कर ले माधव जी खड़े। तो इसलिए संसार हावी ना हो इसलिए भजन को हावी रखना चाहिए हर समय, ऐसा प्रेमानंद जी महाराज ने भी कहा था एक बार, भजन हावी रहेगा तो संसार गौण रहेगा और संसार हावी रहेगा तो भजन गौण हो जाएगा, तो इसलिए भजन को हावी रहना चाहिए। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। आरती करते हैं महाराज।